भाई सुनो, हम इसके साथ नहीं थे इसलिए इस पे हमला हो गया, और अब कोई हमला करेंगे दिखा दे फिर रिप्लाई दे देंगे। शंकर भगवान की जय। पहली बार आया भाई, दिल जीत गया सबका, दिल जीत गया भाई, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है यार। भाई मैं मेरठ से आया बोले देखने के लिए, बहुत बड़ा फैन हूँ भाई बोले इसका। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर नई वीडियो पे। हम इस वक्त मौजूद है डीजे सार्जन पे, और डीजे सार्जन जो है मुजफ्फरनगर में बिगरजपुर पे है। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही, क्या करें, पर गर्मी में रिपोर्टिंग करनी पड़ी। बिगरजपुर में भी इतने फैन है इसके, हम उनसे बात करेंगे। आज एक बार आगे को आ जाओ भाई, कहाँ से आए हो भाई? गाजियाबाद से। किस लिए रुके हो? 9 बजे से रुके हुए हैं बोले। सुबह नौ बजे से सार्जन के लिए। ऐसा क्या भाई? भाई फैन है इसके, जल चढ़ाने आए होते। चढ़ाने भी आए तो देखने भी आए। अच्छा, क्या खासियत लगा इसमें तुम्हें? बस खासियत क्या, बस ये ऐसी तैसी कर रहा और होगी, ये खासियत है इसमें। डीजे तो कसाना है, अमर है, कसाना वसाना सब ऐसी तैसी कर रहा है यू। अच्छा हाँ जी, तो इन्हें तो पूरा सेटअप भी नहीं लगा रखा, तो बजाने ही ना दे रहे इसी मारे, क्योंकि उनकी मिट्टी खराब हो रही है इससे बजने से, इसी मारे से बजाने ना दे रहे। कम से 10 किलोमीटर से इसके पीछे पीछे आ रहे हैं पैदल पैदल, लेकिन जहाँ भी रुका है वहीं पे इसे आके भेज दिया जावे, ना बजाने दे रहे इसे डीजे। अब ये पीछे रुक गया था, पुल मर गया था इसका सिस्टम। अब क्या करे, अब ये क्या करे, बजाएगा तो सही है लेकिन बड़ी मुश्किल से बजाना। अभी भी देख लो कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है, डंडे पथराव सब कुछ कर रहे हैं इस पर। तो अब आगे कहाँ बजाओगा या बजा सके ऐसे भी? कहाँ बजेगा? अब तो चल नहीं रहा ना ये मेरठ में, तो बजेगा ही बजेगा, लेकिन यहाँ भी बजेगा ये मेरठ में, तो पूरा सेटअप लग के बजेगा। मेरठ में क्या लग रहा है? मेरठ में यहाँ से भी ज्यादा फॉलोवर है इसके, बहुत ज्यादा। मेरठ वालों ने तो किया ही है इसे। हाँ मेरठ वालों ने बुलाया? हाँ जी। तो क्या हो गया वहाँ मेरठ वालों में? क्या हो गया? हाँ मतलब मेरठ में क्या हो सका है, भीड़ लगा देगा? नहीं मेरठ में एकदम जलसा होगा, बढ़िया इसका पूरा सेटअप से बजेगा, जो पूरी तरीके से वेलकम होगा। किसी और से भी बात करेंगे। आ जाओ बोले, आ जाओ, बताओ डीजे बात कहाँ से आओ? पहले दिल्ली से हूँ बोले। दिल्ली से जल चढ़ाने आए हो? जी बोले। तो फिलहाल यहाँ क्या कर रहे हो? विसर्जन को देखने के लिए गए बोले। अच्छा, क्या खासियत दिखा विसर्जन में? पहली बार आया भाई, दिल जीत गया सबका, दिल जीत गया भाई, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है यार। और जो राम होता है इसका कंपटीशन जो करता है सार्जन को टार्जन बनाने का, भाई फूक पाक के चला गया, लोकल माल लेके आ रहा वो तो। अच्छा बोले, झारखंड से आया 1400 किलोमीटर से, कुछ तो धुआं खटा के आएगा ये। एक बार कैमरा घुमा कर आ दे भाई। नुके हुए रावण वाले, नुके हुए नुके, इसके पास सिर्फ बेस है, पंच है, म्यूजिक क्वालिटी जो है वो रावण के पास ही है। अरे बोले तो तू अपना कंपटीशन तो तू जीत के दिखा दे, कुछ भी है, जीत तो गया ना अगला, रावण चली जाएगा, रावण तो गया। लोग बाग नुके हुए, नुके हुए रावण के पास जो है म्यूजिक सिस्टम बढ़िया है, उनके पास सिर्फ बेस है। बोले 26 तारीख से सुना है ना, जब से पागल हो गया हूँ। अच्छा। अभी सुबह 8 बजे आए थे हम लोग, सोए 4 बजे से, वहाँ से गए और अब से कम 6-7 घंटे हो गए। अब बजेगा बोले, दिल में तकलीफ है बोले, शंकर भगवान की। कहाँ से आया? भाई मैं मेरठ से आया बोले देखने के लिए, बहुत बड़ा फैन हूँ भाई बोले इसका। बोले एक बार बोले शिक्षा मिला दिया एक बार में। बोले एक बार कैमरामैन का बोल दे, ट्रॉफियां दिखा देगा। दिखा दे भाई ट्रॉफी, दिखा दे एक बार ट्रॉफी, दिखा दे ट्रॉफी। नू कह रहे कि ये ट्रॉफी खरीदी भी नहीं है, कि ये ट्रॉफी लाड़ प्यार की लोगों के, ये ट्रॉफी खरीदी भी तो नहीं है कि। अरे बोले नहीं, दिखा देगा, दिखा। बोले बस एक ही सीजन की ट्रॉफी है ये। अच्छा सर, अगली बार किसी पार्टी ने बुला लिया इसको तो ये इसकी ट्रिपल हो जाएंगी। डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएंगी। बोले ट्रिपल सीधे बढ़ रहे हैं सीधे। बोले एक बात बताना चाहूंगा, भी मैंने वीडियो देखी थी इसको, रामनवमी का भी टाइगर राजा जो हैदराबाद के, उन्होंने भी इनको रोड शो के लिए बुला रखा है। अगर इन्होंने हामी भरी तो वहाँ पे भी चले जाएंगे, बाकी बातचीत चल रही है इनकी। तो क्या चाहो, वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं? बोले अभी थोड़े दिन पहले जो है गुजरात के भारतीय डीजे वाले मैंने कहते हैं अगले 2025 में कावड़ में जो है हम भी अपना सिस्टम लाओगे, और हमारा सिस्टम जो है मतलब सार्जन सुरजन की टक्कर का है, हो सके उनसे बेहतर भी निकल जा। 3 साल हो गए अभी तक कोई सा ऐसा डीजे ही देखा। बोले ये तो कमेटी वालों के ऊपर बात है, वो किसको बुलाते किसको नहीं बुलाते। अगर कोई बाहर का डीजे आता है और जो ये सार्जन भी आता, कंपटीशन होता है, तो हमारे हरिद्वार मेले के लिए और बड़ी बात है ना बोले। हाँ सही बात है, और बड़ी बात है बोले। कहाँ से आए?
निकालने दिल्ली की। क्या खास दिख रहा है डीजे में? रावण डीजे हमारे कोई काम करेंगे, रावण डीजे चलाने के काम आएगा रावण। अजी हम तो अलीगढ़ से देखने आए रावण। भाई मैं मेरठ से आया हूँ इसे देखने के लिए। कहाँ से? मेरठ से आया भाई, मेरठ से 3 दिन हो गए। शार्जन डीजे बड़ा भाई है, इस पे आ चाहिए तो सब होगी ऐसी तैसी कर देंगे। भाई ये बड़ा भाई है, भाई हम इसके साथ, भाई सुनो हम इसके साथ नहीं थे इसलिए इस पे हमला हो गया, और अब कोई हमला करेंगे दिखा दे फिर रिप्लाई दे देंगे। शंकर भगवान की जय। रावण रावण डीजे वाले ना अध्ययन कह रहे हैं को इस पे जो है भीम आर्मी वालों का कब्जा, और वे हम वे चौधरी है तो कहीं इस वजह से तो नहीं कुछ झगड़ा बनना। भाई भाई सब भाई है, सब अपने भाई है, वो भी अपना भाई है और हम भी उसके भाई हैं, पर भाई वो चीज गलत है जो हमला हुआ। भाई ये बाहर से आए हैं, इसकी इज्जत करनी चाहिए। मतलब यो कोई बात नहीं की भाई इनको मतलब दलितों का, तो इस वजह से इसे सपोर्ट कर रहे, साउंड की वजह सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साउंड की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, सब बोले बता देंगे, एक बार दिखा के बता दो। बहुत बढ़िया, और कोई कहीं से आया हो? दूर से आया भाई, कहीं से आया हूँ। अच्छा। इसे देखने के, डीजे सार्जन को बहुत नाम सुना है इसका, तो इसे ही देखने के लिए आया हो या जल भी चढ़ाना है? नहीं इसे ही देखने के लिए आए। अच्छा, जल तो हमारा वहीं से चढ़ता रहे। कब देखी इसकी पहली वीडियो सार्जन? शायद 1 साल पहले देखी थी। अच्छा, तब से इंतजार कर रहे हैं? तब से इंतजार, और डीजे सार्जन यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं कब नई अपलोड हो, कब इसके बारे में। भाई मैं डाक कवर लेने आया हूँ, अपनी डाक कवर छोड़ आया हूँ मैं सार्जेंट डीजे के चक्कर में। भाई अपनी बाइक उतार ली मैं टेम्पू में से सार्जेंट डीजे के चक्कर में। भाई यही होया भाई, फॉलोइंग यही बड़ा बनाया, फॉलोवर ही बड़ा बनाया हर किसी को। मैं भाई इनके साथ देना चाहिए, इनके साथ थका नहीं करनी चाहिए भाई। शंकर भगवान भाई 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे अगले, उनके साथ यहाँ झगड़ा कर रहे, यहाँ कोई मानवता है? रोक ले, स्टॉप कर ले, स्टॉप रोक ले, बंद ना करिए। तो भाई देखो अभी फिलहाल जो है इसमें जो है जनरेटर जोड़ा जा रहा, थोड़ी बहुत देर में 5 मिनट में सर जो चल पड़ेगा यहाँ से, और फिलहाल इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन बुझ जो है मुजफ्फरनगर के बिगरजपुर में है, वो नेशनल हाईवे 58 पे, हाँ रेलवे फ्लाईओवर के नीचे बिगरजपुर पड़ने वाला, आगे बिगरजपुर हॉस्पिटल है वो, तो चलने वाला। फिर दिखाओगे तुम्हें वीडियो कैसे झूमते हैं बोले इस पर, और इसके फॉलोवर कैसे झूमते हैं। बने रहियो वीडियो में, लाइक वगैरह कर देख रहे हो आप तो।